तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार एहतियात बरत रही है, इंतजाम तमाम किए जा रहे हैं। और अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की, तो वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कमियां हैं, कैसे मदद दिलाई जाए। बहुत कुछ कहा है उन्होंने, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ऋषिकेश ने। सुनते हैं क्या कुछ कहा है अर्जुन मुंडा ने। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर जो कुछ भी किया जा सकता है उसकी पूरी गुंजाइश और पूरे सरोकार के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य सरकार से लेकर एक आम नागरिक तक की इसमें भागीदारी है। कोरोना के संक्रमण को किस तरीके से देखते हैं, चूंकि ये पहला एग्जाम्पल है, एक पहला खास करके एक्सपीरियंस है इस मानवीय इतिहास के लिए इस तरीके के आपदा के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी मौजूद हैं। सर, आपने बहुत, चूंकि मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी हैं, इस तरीके के आपदा को लेकर के बाढ़, सुखाड़, महामारी आप लोग देखते थे, इस ये संक्रमण आपको कैसा दिख रहा है, इस तरीके का अनुभव आपको दे रहा है? देखिए, प्राकृतिक आपदा इसके पहले कई तरह के हुए हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, वैश्विक महामारी, ये मुझे लगता है कि बरसों, या ये कहिए कि हमारी पीढ़ी इस तरह के महामारी को नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारा नेतृत्व किया, देशवासियों को इस बात के लिए सतर्क किया, क्योंकि इस वैश्विक महामारी जब दुनिया में सिर्फ चाइना में चल रही थी, तो ये आभास प्रधानमंत्री जी को, यानी ये कहिए कि जो युगदृष्टा के रूप में दूरदृष्टि जिनकी है, कि इस तरह के बीमारी का कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका अंदेशा प्रधानमंत्री को पहले से हुआ। और पूरी तैयारी उसी समय से, जब हिंदुस्तान में, अपने इस देश में इस तरह की कोई बात नहीं थी, तब हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। और इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को सराहा कि भारत ने एडवांस इनिशिएटिव लिया, और उसी के तहत हम भारतवासी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश भर की जनता इस मामले में जागरूक हो गई है कि ये व्यक्ति के माध्यम से फैल रहा है। कोई अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो दूसरे को संक्रमित कर सकता है, तो इसमें जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक फैली है और लोग सजग हैं। इसके बावजूद जो इन दिनों में विदेश से आए, इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग टूरिस्ट के नाते गए होंगे या जो वहीं रहते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आए, और जिसके वजह से इस तरह की संकट देखने को मिल रहा है, गहराई है। और कुछ इस तरह के लोग जो इस बात का उन्हें ध्यान में नहीं था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, जाने अनजाने वो जैसे भी हो, इसमें बड़े पैमाने पर संक्रमित पाए गए, और अब उस सब को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही। एक हमारे सामने जो लगातार मॉनिटरिंग करने का, हम अपने क्षेत्र के नाते, राज्य के नाते, और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जैसे झारखंड के बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने के लिए गए हुए थे, तो वो इस तरह की स्थिति होने से कठिनाई को झेल रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो तेलंगाना में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो या बेंगलोर में हो, ऐसे कई स्थानों पर रोज़गार के लिए गए हुए लोग रास्ते में रुक गए हैं और अपने अपने जगह में जहाँ काम कर रहे थे, वह फैक्ट्रियाँ बंद हो जाने के वजह से वो वहाँ पर बेरोज़गार हो गए हैं। तो यहाँ से हमने, यहाँ से लगातार खूंटी क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य के